प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा के तहत आने वाले जनजातीय क्षेत्र भरमौर में लोगों को आयुष्मान भारत योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है और वर्तमान में आभा कार्ड बनाकर लोगों को इस योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। भरमौर के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शुभम ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र भरमौर में आयुष्मान कार्ड बनाकर लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए कार्य प्रगति पर है। भरमौर में करीब 40,000 लोगों के कार्ड बनाए जा चुके हैं और बचे हुए 600 लोगों के कार्ड बनाने का कार्य जारी है। अभी ये कार्ड बनाने का काम आशा वर्करों को दिया गया है। इसके अलावा भरमौर में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 66 केस डायग्नोस किए गए थे, जिनमें से करीब 40 रोगी ठीक हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त निक्षय मित्र योजना के तहत भी टीबी रोगियों की मदद की जा रही है। इन रोगियों को बढ़िया डाइट मुहैया करवाई जा रही है ताकि वे जल्द स्वस्थ हो सकें। हाँ, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं जगह जगह। इसको भारत सरकार ने नाम से चलाया हुआ है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें साल की एक फैमिली मेंबर की 5 साल की इंश्योरेंस होती है। उसमें जैसे फ्री दवाइयाँ, फ्री ऑपरेशन, जैसे चंबा में ही हम जाएंगे, कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन है या किसी को स्टंट पड़ना है, वो सारा इसके अंडर आता है। और इस वक्त हमारे जो हैं पूरे इंडिया में लगभग 50 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, 50 करोड़ बेनिफिशरीज हैं और 21 करोड़ जो हैं इस पर कार्ड बन चुके हैं हमारे आयुष्मान कार्ड के जो बन रहे हैं। और ये जो हमारी भरमौर पंचायत, इसमें लगभग इस वक्त हमारे पास 600 बंदे हैं जिनके कार्ड बचे हुए हैं बनने को, और हमारी पूरी पॉपुलेशन हम लगभग 30-40,000 कवर कर चुके हैं। और इसमें अभी एक हमारा एक और है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। अभी इस वक्त भरमौर में जो है हमने 2023 में लगभग हमारे पास 66 केस हमने डायग्नोज किए हैं। और पिछले साल गवर्नर साहब ने एक वो चलाई हुई थी निक्षय मित्रा, तो उसमें से अब जो हमें इस वक्त हमारे भरमौर ब्लॉक में 5 से 6 बंदे वो कर रहे हैं, जिसमें वो उनको डाइट देते हैं हर महीने, जैसे 2,000 रुपये की, 2,200-2,300 रुपये की डाइट देते हैं। वहीं फील्ड में कार्ड बनाने के कार्य में जुटी भरमौर की आशा वर्कर गुड्डी देवी के अनुसार इन दिनों आभा आईडी तैयार की जा रही है और आयुष्मान कार्ड बनाकर लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उनके अनुसार लोगों को केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि फील्ड में जुटी आशा वर्करों का सहयोग भी करना चाहिए ताकि कार्य को जल्द निपटाया जा सके। मैं भरमौर एरिया की आशा वर्कर हूँ। आजकल जो है वो आभा आईडी बना रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं और उनको कार्ड जो है वो उनके फ़ोन में व्हाट्सएप कर रहे हैं हम, और से आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो भी हम अपने फ़ोन में ही बना रहे हैं और इसका काम भी बड़े जोर शोर से चल रहा हुआ है। लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लेना चाहिए आयुष्मान कार्ड का। भरमौर में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम से लाभान्वित निशा देवी को इस कार्यक्रम के तहत सरकार की तरफ से निशुल्क दवाइयां व अन्य सुविधाएं दी गई और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके अनुसार इस बीमारी का उपचार संभव है। अगर किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है तो वो इस कार्यक्रम से जुड़कर जरूर लाभ लें। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। मैं बीमार हुई थी और मैंने हॉस्पिटल से एडमिट किया और अब मैं दवाइयों को खा के ठीक हूँ बिल्कुल, और सरकार द्वारा मेरे ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे मिले हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ केंद्र सरकार का। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने में कारगर साबित हो रही हैं और प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के लोग भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। डीडी न्यूज़ के लिए चंबा से विकास ठाकुर की रिपोर्ट।